हर वीक के जॉब रूटीन से परेशान होकर हम अक्सर एक क्विक वीकेंड हॉलीडे डेस्टिनेशन ढूंढते रहते हैं। ऐसे ही एक वीकेंड पे हम निकल पड़े दिल्ली से लगभग 7 आवर्स दूर हिमाचल के एक हिल स्टेशन कसौली के लिए। सो गाइस, हमने मूर्थल क्रॉस कर लिया है एंड वहाँ हमने ब्रेकफास्ट करा अमरिक सुखदेव में। तो जब भी हम हिमाचल जाते हैं, हम स्पीति वाले गए थे, लद्दाख गए थे, जब भी जाते हैं तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट स्टॉप रहता है कि मूर्थल में अमरिक सुखदेव पे रुक के हम आलू का परांठे और चाय का नाश्ता करते हैं। आज हमने कुल्लड़ चाय ली पहली बार, तो वो भी काफ़ी अच्छी थी। एंड हम कसौली दूसरी बार विज़िट कर रहे हैं, तो हम आज से 3 साल पहले कसौली गए थे, वो हमारी फ़र्स्ट एनिवर्सरी थी। एंड इसका हमारे यूट्यूब चैनल से भी काफ़ी क्लोज रिलेशन है, क्योंकि वो हमारा फर्स्ट विज़िट था माउंटेन्स में। तो कीप वॉचिंग वीडियो, हम पूरी कहानी बताएंगे। कसौली पहुंचने का सबसे कॉमन रास्ता NH 44 पे अंबाला एंड पंचकुला होते हुए जाता है, पर अब एक नया हाईवे बनने से आप साहा होते हुए भी जा सकते हैं। इस रोड पे आपको रिलेटिवली कम ट्रैफिक मिलेगा एंड ये रोड सीधे पंचकुला मिलेगी। सो गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम कसौली। आज की मॉर्निंग तरह से बिल्कुल परफेक्ट है। विंटर सीजन में सूरज की गर्माहट एंड हर जगह बर्ड्स सिंग कर रही हैं, सच में बहुत पीसफुल और अमेजिंग है। एंड आज हम सुबह हमेशा की तरह जल्दी उठ गए थे सनराइज़ देखने के लिए। एंड हमारा जो रूम है वो ईस्ट फेसिंग है, तो सच में बहुत ही अमेजिंग हमने सनराइज़ देखा। इट वाज जस्ट मेसमराइजिंग। बिल्कुल हमारी जो डोर है उसके सामने जो स्टेयर्स थे उस पर बैठ के हम सनराइज़ देख रहे थे। एंड जैसे ही सूरज उगा तो हमेशा की तरह बर्ड्स बिल्कुल एक तरह से खुश हो गई थी, उनके चिरपिंग की चहचहाने की आवाज़ आ रही थी। हम जिस होमस्टे में रुके हैं उसका नाम है ला पाइन कोन्स कसौली। तो इसका जो नाम है, जो स्पेलिंग है, वो थोड़ी टेढ़ी है, नीचे हम लिख देंगे। हमें ये एयरबीएनबी में मिला था एंड रूम बहुत स्पेशियस है, क्लीन है एंड ओनर ने हर छोटी छोटी डिटेल का ध्यान रखा हुआ है। और यहाँ के ओनर जो हैं अरविंद, वो भी काफ़ी वार्म एंड वेलकमिंग है। उन्होंने हमारी हर चीज़ का ध्यान रखा है जब से आए हैं एंड वो हर छोटी छोटी चीज़ें यहाँ के एनवायरनमेंट से रिलेटेड बातें भी करते रहते हैं हमसे और स्टोरी सुनाते रहते हैं। तो लाइक इफ़ यू आर कमिंग टू कसौली देन दिस प्लेस इज़ हाईली रिकमेंडेड। तो हमारा यहाँ तो पहुँच तो गए हैं, बट हमारा प्लान कुछ फिक्स नहीं है अभी कि क्या करना है। तो यहाँ के जो ओनर हैं उन्होंने हमें एक मॉर्निंग वॉक सजेस्ट करी थी। यहाँ से एक पास में एक मंदिर है, उसके पास जाके एक मॉर्निंग वॉक है। तो पहले हम वो वॉक करेंगे, उसके बाद फिर आगे का देखते हैं कि कहाँ जाएंगे। तो लेट्स गो। चलेंगे इधर से ही, फिर आगे वो चढ़ लेंगे ऊपर। गाइस ये कैफे मिट्टी आता है रास्ते में, उसके बगल से ये रास्ता जा रहा है। तो पहले हम इस पर जा रहे हैं, फिर देखते हैं। हमें पूरा ऊपर टॉप तक चढ़ना है, टारगेट तो यही है। ये आ गया ना कि ऊपर आ गए अपन। चलो 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 चलो, कितना ऊपर आ गए यार। हम कब से ऐसे पाइन कोन ढूंढ रहे थे घर के डेकोरेशन के लिए,
तो अभी विंटर में काफ़ी मिल रहे हैं यहाँ पे, तो ये हम उठा के जाएंगे घर पे डेकोरेट करने के लिए। वाओ, स्ट्रगल करना पड़ा बट व्यू सच में कसौली में ऐसा व्यू मिलना बड़ा मुश्किल है। अमेजिंग। सो गाइस ये ट्रैक थोड़ी ऑफ बीट है, मतलब रास्ता तो बिल्कुल ही नहीं है एंड बड़ी स्ट्रगल करके हम ऊपर आए। शालू तो आधे रास्ते रुक गई है, उससे नहीं आया जा रहा था, थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी तो मैं ये थोड़ा ऊपर आ गया। अभी और भी ऊपर जा सकते हैं बट नीचे उतरना और भी स्ट्रगल होगा, तो यहीं पर ही रुक के थोड़ी देर व्यू एंजॉय करके फिर हम वापस से लौटेंगे। ये ट्रैक अगर आप कर सकते हैं तो रेकमेंडेड है बट बहुत डिफ़िकल्ट होगा एंड अभी तो नीचे में बता रहे उतरने में कितनी डिफ़िकल्टी होगी, तो अपनी रिस्क पे ट्राई करना। सो गाइस हम ट्रैक से तो वापस आ गए हैं एंड वो सच में बिल्कुल ही पागलपंती थी, कितनी मुश्किल से नीचे उतरे हम। वो तो हमें कोई मिल गया था, हाँ वो शेफर्ड मिल गए थे, नीचे उतरने में हेल्प कर दी उन्होंने। पुराने टाइम की याद आ गई, हमने उस टाइम भी ऐसी पागलों जैसी हरकतें करी थी, चप्पल में ट्रैक कर रहे थे एंड गिल्वर ट्रेल में पता नहीं गड्ढे वड्ढे मिल रहे थे बट उसमें भी फिर आगे चलते जा रहे थे हम, तो बहुत मज़ा आया था। इन्हीं हरकतों की वजह से हमें पता था कि हम एडवेंचरस हैं थोड़े एंड ऐसे ही काम करते हैं, तो हमने फिर अपने चैनल का नाम भी बॉर्न इडियट्स रखा। लास्ट ट्रिप थी ना, उसके बाद फिर नेक्स्ट ट्रिप तो हमने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी। स्मेल आने लगी ना, देखना। सो गाइस अब हम कसौली ब्रूअरी आए हैं, तो इसका दूसरा नाम था क्या, मोहन माइकन प्राइवेट लिमिटेड हो गया है अब। तो ये ब्रूअरी ऑलमोस्ट 200 इयर्स ओल्ड है, ये 1820s में इस्टेब्लिश करी थी जब ब्रिटिशर्स थे, तो जिसने इस्टेब्लिश करी थी एडवर्ड डायर करके नाम था, तो जिसने जलियांवाला बाग करा था जनरल डायर उसके पिता थे वो, जो फर्स्ट एशिया की सबसे पहली बियर ब्रांड थी लाइन बियर वो यहीं से स्टार्ट हुई थी। ओल्ड मॉन्क भी इन्हीं का ही है। हाँ ओल्ड मॉन्क भी यहाँ से कनेक्टेड है, उनके ब्रदर वगैरह ने शायद स्टार्ट करी थी ओल्ड मॉन्क विस्की। हाँ तो कसौली की बात यही है कि बहुत पुरानी जगह है, उस टाइम तक तो ब्रिटिश कैंटोनमेंट भी इस्टेब्लिश नहीं हुआ था, तो इतनी पुरानी हिस्ट्री एसोसिएटेड है इस जगह से। आई थिंक देखते हैं अंदर जाने देते हैं कि नहीं। ब्रूअरी में अंदर जाना तो अलाउड नहीं था, तो फिर हम वहां से लौट के मेन कसौली टाउन की ओर गए। कसौली में पार्किंग की बड़ी प्रॉब्लम है, आप अपनी कार ना ले जाएं तो ही बेहतर है, आप या तो बस से जा सकते हैं या फिर किसी से लिफ्ट मांग सकते हैं। थैंक यू भैया। कसौली में एंटर होते ही सबसे पहले दिखता है क्राइस्ट चर्च, जो कि 1853 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसके आर्किटेक्चर को देख के ही कह सकते हैं ये कितना पुराना है। भागी हिल स्टेशन की तरह कसौली में भी एक मॉल रोड है जहां का बंद समोसा काफी फेमस है। अगर आप कुछ खाने का लेते हैं तो बंदरों का स्पेशली ध्यान रखिए, वो कब आपके हाथ से छीन के ले जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। कसौली की सबसे यूनिक बात है इसकी हिस्ट्री, यहाँ की गलियों में घूमते हुए कई हिस्टोरिकल चीजें एंड उनके पीछे छिपी कहानियां काफी अमेजिंग लगती हैं। सो गाइस लोअर मॉल रोड पे थोड़ा आके आके एलासिया होटल है, तो उसमें एक ऑलमोस्ट 150 ईयर ओल्ड थर्मामीटर हुआ करता था, तो हम उसे देखने गए थे बट वो अब खराब हो गया है, वो हट गया है। काफी इंटरेस्टिंग था कि वो ऑलमोस्ट 100 ईयर से ऊपर सर्वाइव करा एंड वर्किंग कंडीशन में था। गाइस मेरे पीछे भी कसौली क्लब है जो कि भी ऑलमोस्ट 100 ईयर्स पुराना है एंड इसकी ऐसा बोलते हैं ऑलमोस्ट 25 ईयर्स वेटिंग है मेंबरशिप की। अमेजिंग।
जब हम होमस्टे वापस आए तो सरप्राइजिंगली हमारे लिए कैंप फायर रेडी था। रात की ठंड में कैंप फायर के बगल में बैठे कब घंटों निकल गए पता ही नहीं चला, और यूं ही हमारा एक चिल हॉलीडे एंड हो गया। ये वीडियो तो यहीं ख़त्म होता है, पर आपने अभी तक हमारी लद्दाख सीरीज़ नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखिएगा, एंड वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।